तो हेलो स्टूडेंट, आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब ऑनलाइन स्टडी बूस्टर में। तो आज हम बात करते हैं हमारे ट्वेल्थ क्लास की जो कंपोजिशन होता है उसका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो कौन सा आता है। ड्राफ्टिंग पोस्टर से कुछ याद आया होगा, बटा पोस्टर निकला हीरो, हीरो नहीं, यहाँ पे स्टडी निकलेगी, हीरो नहीं निकलेगा। तो बात करें ड्राफ्टिंग पोस्टर, जो हमारे आरबीएससी वाला एनसीईआरटी का सिलेबस है उसके अंदर ये ड्राफ्टिंग पोस्टर कितने नंबर का आता है, ये आता है, इसके मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, चार नंबर होते हैं। इसकी नॉर्मल बात कर लेते हैं पहले, चार नंबर का ये टॉपिक होता है। इसकी जो होती है वर्ड लिमिट होती है, वो होती है 50 वर्ड्स। अब आप बोलोगे भाई बात आई है पोस्टर की, पोस्टर हम जैसे कोई छपाते हैं, फिक्स आती है, कुछ भी आते हैं, उसमें वर्ड लिमिट कैसे लिखते हैं, अभी हम बताएंगे। हम है तो फिर किस बात का गम है, वर्ड लिमिट की बात आ गई। अब जो पोस्टर होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो सबसे पहले क्या चीज होती है इसके अंदर, टाइटल। जो टाइटल होता है, जैसे कुछ भी ले लो, हमें जैसे बनाना है पोजीशन पे, ये भाई हमने लिख दिया, नॉर्मली हम पोजीशन लिख देते, लेकिन जब भी आप एग्जाम में जाओ तो वो एग्जाम ले रहे उसको बोलो सर मैं स्केच पेन या फिर अदर पेन का यूज कर सकते हैं क्या, तो फिर वो बोल देंगे अगर यस तो भाई आपको यूज करना है, तो जो ये पोजीशन आपने ऐसे लिखा है इसको आप ऐसे थोड़ा अलग पेन से लिख के नीचे कोई भी जगह आपको डिजाइन आती है वो आप बना दो इसके ऊपर, बना दी। लेकिन जो भी लड़कियां होती है उनको बोलने की जरूरत है कि वो ऐसे लिखते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं, मेरी राइटिंग ऐसे भी सही नहीं है, इसको ऐसे घुमा के ऐसे करके क्या पता कैसे कैसे लिखते हो, मेरे को पता नहीं, लेकिन अपन को नॉर्मली यानी थोड़ा अट्रेक्टिव ऐसे दिखते पता चल जाना चाहिए कि भाई पोजिशन टाइटल है। फिर बात करते हैं हम इसमें जो नेक्स्ट बात आती है हाईलाइट्स कैसे होती है, इसमें हाईलाइट्स कैसे होती है, हाईलाइट्स में अपन को क्या करना पड़ता है, पॉइंट कि भाई पॉइंट, अगर हम पॉइंट टू पॉइंट चले तो हमारे नंबर कोई भी नहीं काट सकता। ये जो चार नंबर है ना ये आपके कन्फर्म है क्योंकि आप कहां पढ़ रहे हो, ऑनलाइन स्टडी बूस्टर में, ठीक है। हाईलाइट्स में पॉइंट बनाने हैं, अब पॉइंट कैसे बनाने हैं, जैसे देखो पॉइंट को कैसे बनाने हैं, ये वाला एक पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट, मैक्सिमम तीन या चार पॉइंट लिखने हैं, ये बात हो गई, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ये वाला क्लिक करके बता दो या फिर कुछ भी जो भी आपको यस बता दो, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जाओ पहले यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, और नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर सकते हो, आपको आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको आप डिसलाइक करोगे हमें पता चलेगा भाई हमारी कमी क्या है, कमेंट सेक्शन में बताओ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो हमारा ऑनलाइन स्टडी बूस्टर से, लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। ये पॉइंट बना लिया अपन ने, अब क्या करना है भाई, पॉइंट बन गया, अब जैसे हम टाइटल लिख लेते हैं, ये जैसे ब्रैकेट में रहेगा पोस्टर, यहाँ पे टाइटल आ गया, यहाँ पे हमारे ये लो भाई हाईलाइट से पॉइंट आ गए, ठीक है। पॉइंट में क्या लिखना है अपन को, पॉइंट में एक चीज ध्यान रखनी, मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई थी, फ्रेज, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का एक ऐसा समूह विदाउट मीन, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता हो, जैसे आम खाया मैंने, ईट मैंगो मी, मुझे खाया या मैंने खाया पता नहीं चल रहा, ऐसे फ्रेज बनानी है अपन को जिसका हल्का फुल्का मीनिंग निकल जाए। मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना है, आपको समझ में आएगा आराम से, वीडियो को अंत तक जरूर देखे। फ्रेज बना के तीन चार पॉइंट लिखना है, हाईलाइट करना है, अब लास्ट में क्या लिखना है, लास्ट वाली चीज आती है इश्यू, यानी किसके द्वारा इश्यू किया गया है, यहाँ पे इश्यू बाई इन पब्लिक रिएक्शन, फिर बाद में जिसने भी ये पोस्टर बनाया आपको नया क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो अपन किस लिए, खुद का नाम लिख लो, लिख दिया। अब बात करते हैं पोस्टर की, तो पोस्टर में ये वाले पॉइंट तो हो गए, अब पोस्टर पॉइंट लिखने होते तो हम ऐसे ही पॉइंट लिख लेते, पैराग्राफ में पॉइंट बना लेते, लेकिन पोस्टर बनाना है तो मैं बताता हूँ आपको कैसे बनाना है। टाइटल आ गया, टाइटल के इस साइड में आप जैसे कुछ भी बना लो, ऐसे बादल टाइप में कुछ भी बना लो, बना लिया भाई,
ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है फिर भी आपको समझ में आ जाए इतना तो हो जाएगा। यहाँ पे आप मैं आपको लाइन बताऊंगा, जैसे कुछ भी फ्रेज लिख लो बढ़िया सी या फिर कोई मोटिवेशनल या कुछ भी लिख सकते हो जो टाइटल है उससे रिलेटेड। एक ऐसे बना लिया, एक ऐसे बना लिया, यहाँ पे भी लिख दिया। ये हो गई बात हमारे किसकी, इसका जो फॉर्मेट होता है उसकी बात हो गई, उसकी बात हो गई। समझ में आया थोड़ा बहुत, नहीं आया तो मेरे से पूछो आप। तो ये जो हमारा पोस्टर है, तो पोस्टर बनाने के पीछे रीजन क्या होना चाहिए, पोस्टर किस किस चीज पे बनता है और पोस्टर कैसा होना चाहिए, तो वही बात करते हैं हम। पोस्टर कौन कौन सी चीजों में बनता है, कोई भी जैसे ले लो, हम ये ले लो डस्टर मार्कर, क्या चीज आ गई प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस रहती है सोशल सर्विस जो भी हेल्प वगैरह होती है उनके बारे में भी बनता है पोस्टर। कोई प्रॉब्लम आ गई भाई हमारे ऑनलाइन स्टडी पोस्टर के जो हमारे टीचर है प्रदीप जी वो नहीं रहे, प्रॉब्लम हो गई हमारे लिए, नहीं रहे मतलब यहाँ पे परमेश्वर में नहीं रहे अलग जगह जाके रहने लग गए उल्टा मसल जो हमारे यहाँ के टीचर है ये प्रॉब्लम उनमें होंगे। कोई भी इवेंट होता है कुछ भी इवेंट जैसे कोई फंक्शन वगैरह वो भी होते हैं उनके बारे में हो जाता है, जैसे कोई भी ले लो इवेंट शादी वगैरह पे उनके अपन पोस्टर बनवाते हैं बड़े बड़े सारे कि भाई आज इनकी शादी है, जैसे प्रदीप वेड्स कोई भी ले लो एक्स वाई जेड काजल कुछ भी नाम ले लो उनको, काजल है जो अजय देवगन जी की वाइफ है वो बहुत अच्छी लगती है उनकी फेवरेट एक्ट्रेस है, तो उनका ड्रीम वही है कि एक बार उनसे मिल गए। तो ये बात होगी। अब आता है जैसे कोई प्रोग्राम एनुअल फंक्शन कुछ भी, जैसे हमारे जैसे अगर हो गया ये इसका जो मोनेटाइज वगैरह स्टार्ट हो गया आपके सहयोग से तो हम भी प्रोग्राम करेंगे अच्छा सा, उस पे आपको पोस्टर बताएंगे कि और कैसे बढ़िया पोस्टर बनाते हैं, हम खुद बना के बताएंगे आपको। ये हो गए भाई पोस्टर किस किस चीज पे बनते हैं, नंबर वन प्रोडक्ट पे कोई भी प्रोडक्ट हो, नंबर टू सर्विस, नंबर थ्री कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होती है, नंबर फोर इवेंट और नंबर फाइव कोई भी प्रोग्राम होते हैं। अब बात करते हैं हमारा पोस्टर कैसा होना चाहिए, तो आ जाओ भाई इस तरह आ जाओ स्टार बना के लिखे हुए फोर स्टार फाइव स्टार चलेंगे कभी। नंबर वन पोस्टर हमारा अट्रैक्टिव होना चाहिए, बिल्कुल एकदम अट्रैक्टिव, जैसे हम बैठक के जाते हैं सिक्स फीट सूट में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगते हैं उसी प्रकार हमारा पोस्टर भी अट्रैक्टिव होना चाहिए और उसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए क्रिएटिव, यानी क्रिएटिव होने वाले को पता चले भाई इसने कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी की है तो क्रिएटिव भी पोस्टर होना चाहिए। इम्प्रेस इम्प्रेस हम पढ़ाने ऑनलाइन स्टडी पोस्टर में हमारे जो भी हमारा पढ़ाने का तरीका उसको चेंज क्यों करते ताकि आप क्या हो इम्प्रेस इम्प्रेसिव भी होना चाहिए। आई कैचिंग आई कैचिंग वो नहीं जैसे विटामिन डी की कमी से हमारी आंखों के रोशनी चली जाती है, पता नहीं मेरे को विटामिन डी आ रहा है तो वही बता रहा हूँ, विटामिन डी या फिर कोई भी आंखों की रोशनी चली जाती है कम होने लग जाती है दिखता नहीं है, लेकिन पोस्टर ऐसा होना हो कि जिसको नहीं दिखे कम दिखे उसको भी आई कैचिंग मतलब अच्छे से दिखने लग जाए। तो पोस्टर कैसा होना चाहिए, नंबर वन अट्रैक्टिव, नंबर टू क्रिएटिव, नंबर थ्री इम्प्रेसिव और नंबर फोर आई कैचिंग। तो हम पोस्टर शुरू करते हैं, इसका क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा एक, उसको हम बताते हैं पोस्टर कैसे बनाना है फिर आगे की बात आगे करेंगे देखते हैं। तो दोस्तों स्टूडेंट्स भाइयों बहनों माताओं जो भी हो जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारा सबसे पहला जो ड्राफ्टिंग पोस्टर है जो पोस्टर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखने में कुछ मतलब हमको टॉपिक का पता होना चाहिए, टॉपिक क्या है हमारा डोगरी सिस्टम। हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां होती है, कुरीतियां मतलब जो भी एब्सेंस वगैरह होती है उनमें एक क्या होता है डोगरी सिस्टम, मतलब दहेज न लेना चाहिए न ही देना चाहिए, सीधी सी बात है कि भाई दहेज देते हैं। अभी जो हमारे प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है कि भाई कोई भी गवर्नमेंट बंदा लग गया उसको जैसे होता है ना टीके की रस्म वगैरह होती है कुछ, उसमें क्या देते हैं 1,51,000, मैंने एक बार देखा 1,11,000, 5,11,000, क्या पता कितने कितने रुपए दे देते हैं, तो नहीं देना चाहिए। और जो लेते हैं मेरी नजर में वो सबसे लो क्लास थर्ड क्लास, देना नहीं चाहिए नहीं लेना चाहिए और ना किसी को देने के लिए फोर्स करना चाहिए। इतना देना चाहते हो भाई कोई जैसे कोई सोशल वर्क्स में या फिर कोई अनाथ आश्रम उनमें आप डोनेट करो, आपके पास पैसे है तो दिखो शादी बड़ा फंक्शन करो, कौन मना कर रहा है, लेकिन अभी मत करना क्योंकि अभी चल रहा है कोरोना कोविड 19 चल रहा है नहीं करना है। तो अपन को सोशल थिंग पे भी ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जो क्वेश्चन आता है उसकी, तो क्वेश्चन की बात करते हैं क्या है डोगरी सिस्टम पे पोस्टर बनना है,
पोस्टर बनाना है तो टाइटल क्या सोचे, टाइटल 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 टाइटल, आओ आओ जल्दी से आओ आओ, आ गया क्या है, डोरी इज ए कर्स, ये एक अभिशाप है। अब टाइटल है, इसको थोड़ा सा अच्छा सा ऐसे करके लिख दो आप, ठीक है, ये भाई हमने इसको ऐसे ऐसे डार्कली बना दिया, ये हो गया। अब चांद सितारे, चांद हेलो भाई, चांद चांद में क्या लिखे भाई, चांद में क्या लिखे, ये लो भाई हमारा चांद बना हुआ है, चांद बादल में होता है, चांद छुपा बादल में, ये हो गया भाई। रियल मैन डोंट टेक डोरी, जो बोलते हैं ना हम मर्द को दर्द नहीं होता, अरे तो भाई तेरे को दर्द होगा, हमारे को दर्द होगा, लेकिन तू असली मर्द है तो भाई डोरी मत ले, या फिर उनको फोर्स मत कर, अगर तेरे को उनको बोलो आपको कुछ देना ही है तो भाई या तो इनके नाम पे एफडी करा लो, इनके जो फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा सा काम में आएगा। अब ये हमारा आ गया भाई, चांद आ गया बादल के अंदर, आप सितारे लेके आओ, ये लो भाई सितारा, ये हो गया भाई। डोरी इज इलीगल, ये इलीगल चीज है, गवर्नमेंट ने भी इसके लिए एक कानून बना दिया कि भाई डोरी ना लेना चाहिए और ना देना चाहिए, दहेज प्रथा हमारे देश में बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। इसके बजाय आप वही बात बार बार दोहराऊंगा मैं तो, क्योंकि हमारे समाज में जैसे नॉर्मल राजस्थान की बात है, राजस्थान में जो वो छोटे छोटे गांव कस्बे होते हैं उनके अंदर ये सिस्टम चलता है, लेकिन इनको जितना जल्दी हो सके बंद करो। अब बात आती है, ये हो गया भाई टाइटल, ये दोनों आ गए इसके जो मेन अट्रेक्टिव है, टाइटल आ गया, अट्रेक्टिव आ गया, आई कैची है, मतलब पोस्टर धीरे धीरे बन रहा है। अब क्या लिखना है, पॉइंट बनाना है, ये लो भाई हमारा पॉइंट, डोरी इज एन ऑप्शन, ठीक है, ये हमारा हो गया, इसको भी आप ऐसे कर सकते हो गया, ये हाईलाइट हो गया, हाईलाइट हो गया। अब क्या लिखना है हमको, पॉइंट बनाना है, ये लो भाई पॉइंट 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 पॉइंट, अब क्या लिखना है, डिमांडिंग, यानी अभी यही ज्यादा डिमांड में चल रहा है, इसको रोको, ठीक है, डोंट टेक डोरी, डोरी नहीं लेना चाहिए, यानी जो भी डोरी लेता है और देता है उनको क्या मिलनी चाहिए, पनिशमेंट, सजा मिलनी चाहिए, मानो मेरे हिसाब से, यानी ये हो गया हमारा डोरी सिस्टम का पोस्टर। अभी तो ऐसे लग रहा है, आप इसको बनाते हैं सुंदर सा, अच्छा सा, अच्छा सा बनाने के लिए हमको पता है क्या बनाना पड़ता है हमारा, रुको रुको भाई, स्टॉप स्टॉप, बुलेट ट्रेन को थोड़ा स्टॉप करो, क्या लिखना है, इशू, इशू में क्या लिखना है, इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट, यानी लोगों को इस चीज में इंटरेस्ट लेना चाहिए, ये पोस्टर बनाया भाई इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। अब यहां पे क्या लिखना है, बाई, क्वेश्चन में हमको नहीं दिया हुआ कोई नाम, बाई हमें खुद का नाम लिख लो, चलो अभी तो मैंने बनाया तो मेरा नाम लिख देते, अब बनाते इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दो, ये लो भाई ब्रैकेट में हमने क्या कर दिया, इसको क्लोज, ये हो गया।
क्वेश्चन भी हो गया, आसानी से हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। क्या लिखना है? डोवरी इज इलीगल, ये इलीगल है। डोवरी इज ए कर्स, क्रश नहीं है, क्रश बहुत अलग बात है, हमारी स्टडी से हट के बात है, उस चीज में हमको इंटरेस्ट नहीं है, हमको इंटरेस्ट इसमें स्टडी में, स्टडी में इंटरेस्ट हो। ये हो गया भाई टाइटल। अब हियर पे एंड डोंट टेक डोरी, ये जो दो चीज है ये अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसको पोस्टर में डाल दिए हमने। डोंट हियर पे एंड डोंट टेक डोरी, जो सच्चे बोल रहे हैं वो डोरी यानी दहेज नहीं लेते, डोरी इज ऑब्सेस, ये बहुत गलत बात है। डिमांडिंग में अभी यही चल रहा है, इसको हटाओ। डोंट टेक डोरी, पनिशमेंट फॉर देम। अब इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में हम इसको इश्यूड करें बाय मनीष शर्मा, ठीक है। तो दोस्तों अभी तो हमने इसका एक क्वेश्चन किया है, अब जो आगे क्वेश्चन रहेंगे उसके लिए मैं आपको ये जो पॉइंट होते हैं ना, ये पॉइंट और टाइटल और ये वाले पॉइंट इसके हिसाब से आप इसमें भी डाल सकते हो। ये पॉइंट लिख लो यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, जो चार नंबर है वो कन्फर्म मिलेंगे। अगले वाले पार्ट में जो आएगा हमारे डोरी के, जो डोरी के सॉरी ड्राफ्टिंग पोस्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन में बता दूंगा ये, फिर आपको ये टाइटल और इनके पॉइंट बता दूंगा। यानी कम से कम बहुत सारे ऐसे टाइटल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन हम कौन से पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा मोस्टली पूछे जाते हैं वो पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो हम यही पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वही बात हमेशा बोलता हूँ, वही बोल रहा हूँ कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बूस्टर से यूट्यूब पे एक अकाउंट है उसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलो, और अपना सहयोग ज्यादा से ज्यादा बनाए रखो। धन्यवाद।